गुड मॉर्निंग बच्चों, फर्स्ट ईयर में सेकेंड पेपर में आपका तीसरा लेसन कल फिनिश हो गया था पूरा। आज नया चैप्टर शुरू होना है, चैप्टर फोर, जिसको कहते हैं क्षारी मृदा धातु। क्षारी मृदा धातु या सेकेंड वर्ग के तत्व, सेकेंड वर्ग के तत्व, ठीक है। चैप्टर फोर सेकेंड पेपर में है क्षारी मृदा धातु या सेकेंड वर्ग के तत्व। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्षारी मृदा धातुओं के बारे में, फिर लिखाना शुरू करते हैं। क्या होती है क्षारी मृदा धातुएं? जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएं, समझ लो वो क्षारी मृदा धातु। कौन कौन? हीलियम नहीं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, स्ट्रॉन्शियम 38, बेरियम 56, रेडॉन 87। ये होते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। याद करने का तरीका, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2.2, 2.8, 2.8, 8.2। ऐसे भी करोगे अगर 1s2, 2s2, 2p, अरे हो तो गए 4। 12 करोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। 20 करोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। किसी का भी क्लासिफिकेशन करो, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे, ऐसे माने चाहे कोष के रूप में करो चाहे उपकोष के रूप में, चाहे सेल के रूप में चाहे सब सेल के रूप में, लास्ट में दो ही आएगा। अगर दो आएगा तो इसी को कहते हैं क्षारी मृदा धातुएं। फिक्स होती है 6 धातुएं। कौन कौन याद रखना हो तो याद करने का सबसे सरल तरीका, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये जो 6 तत्व हैं इनको हम लोग कहते हैं क्षारी मृदा धातु। अच्छे से इनको याद कर ले, इन तत्वों क्या कहते हैं, क्षारी मृदा धातु, ठीक। अब चैप्टर शुरू करते हैं। ये तो आपको समझा दिया क्या होते हैं क्षारी मृदा धातु। पहला क्वेश्चन अब लिखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन यही है, क्षारी मृदा धातु की आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। क्षारी मृदा धातु में आवर्त सारणी की स्थान की विवेचना कीजिए। या करके इसी में क्वेश्चन और कह देता है, सेकेंड ए वर्ग के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन है दोनों। अब सॉल्यूशन देखो, आंसर एक क्वेश्चन ही पेपर में जरूर पूछता है, आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना से लेकर, ठीक है। कहने का मतलब क्वेश्चन दो है, आंसर एक ही होगा, या कहेगा क्षारी मृदा धातु की आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए, या कहेगा सेकेंड ए वर्ग के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। लिखिए आंसर, चलो लिखो। आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में, आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में सेकेंड ए वर्ग में 6 तत्व हैं, सेकेंड ए वर्ग में 6 तत्व हैं, सेकेंड ए वर्ग में 6 तत्व हैं, 6 तत्व हैं। नाम लिख लीजिए, 6 तत्वों के नाम लिख लो। अभी हमने बताए थे बीई बेरिलियम 4, एम जी मैग्नीशियम 12, सी ए कैल्शियम 20, बी ए बेरियम नहीं,
लिख लो, छह तत्काल छइयों के नाम लिख लो, बीई बेरिलियम 4, एमजी मैग्नीशियम 12, सीए कैल्शियम 20, एसआर स्ट्रांसियम 38, बीए बेरियम 56, आरए रेडियम 88। लिखे आगे, ये तत्व क्षारी मृदा धातु कहलाते हैं, ये तत्व क्षारी मृदा धातु कहलाते हैं, ये तत्व क्षारी मृदा धातु कहलाते हैं, ये तत्व क्षारी मृदा धातु कहलाते हैं। इनमें से रेडियम को छोड़कर, इनमें से रेडियम को छोड़कर शेष सभी तत्व धातु हैं, इनमें से रेडियम को छोड़कर शेष सभी तत्व धातु हैं। रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियम एक रेडियो तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्षारी मृदा धातुओं के, क्षारी मृदा धातुओं के बाहकोष का विन्यास NS2 और पिछली कोष का विन्यास NP6 होता है, या NP6 लिखो, पिछले कोष का विन्यास NP6 या अक्रिय गैस कोड, या तो कक्षा पूर्ण भरी होगी, पूर्ण नहीं भरी होगी, तीन में 6 होगी, इसके बाद ऐसी 2 आएगी, NP6 होगी। इन तत्वों को आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के सेकेंड ए वर्ग में रखा गया है, एस ब्लॉक के सेकेंड ए वर्ग में रखा गया है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होती है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होती है। लास्ट पॉइंट, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होने के कारण, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता होने के कारण इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। ठीक इसी में हेड के आंसर में आ गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेरिलियम 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, स्ट्रांसियम 38, बेरियम 56, रेडियम 88। सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, हम 2-3 बता देंगे आपको, घर से सारे करना, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा उसको हमसे पूछ लेंगे। वैसे आप बाहु सारणी जब बगल में रख लेंगे सब बना लेंगे, जैसे 1s2, 2s2, लास्ट में सबके s आएगा, 2 आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, मतलब इस तरह सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। ठीक है, कर लीजिए, बाकी घर पे करना है। इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए, इसको नोट कर लो जल्दी, शेष जो बचे हैं उनको घर से करके लाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है।
नोट हो गया हो तो अगली हेडिंग अब बोलें। सेकेंड हेडिंग है चाली मृदा धातुओं के समान लक्षण। चाली मृदा धातुओं के समान लक्षण। दूसरी हेडिंग है चारी मृदा धातु के समान लक्षण। समान लक्षण में पहली हेडिंग डालो संयोजकता तथा आपसीकरण संख्या। संयोजकता तथा आपसीकरण संख्या पहले हेडिंग है क्षारी मृदा धातुओं के समान लक्षण। फिर समान लक्षण पहले हेडिंग है संयोजकता तथा आपसीकरण संख्या। लिखिए इसमें बोले लिखो क्षारी मृदा धातु द्वि संयोजक तत्व है। क्षारी मृदा धातु द्वि संयोजक तत्व है। ये तत्व बाहकोश में उपस्थित दो एस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं अतः इन तत्वों की प्लस दो ऑक्सीकरण अवस्था होती है। दूसरी हेडिंग आलो धन विद्युतीय लक्षण। लिखिए क्षारी मृदा धातु प्रबल धन विद्युतीय लक्षण होता है। क्षारी मृदा धातु प्रबल धन विद्युतीय तत्व है। इनका धन विद्युतीय लक्षण वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। क्षार धातुओं की तुलना में क्षारी मृदा धातु कम विद्युत तत्व है। कम धन विद्युतीय तत्व है। तीसरी हेडिंग परमाणु और आयनिक त्रिज्या। लिखो क्षारी मृदा धातुओं की परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं बड़ी होती हैं
बड़ी होती हैं किंतु क्षार धातुओं से छोटी होती हैं, किंतु क्षार धातुओं से छोटी होती है, किंतु क्षार धातुओं से छोटी होती हैं। इनकी परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं, इनकी परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। लिख लें इसी में कॉलम बना के, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इसमें भी बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, सब में टू आयन होंगे, सबकी बैलेंस टू होगी, सब में आयन कितने लगेंगे, 2.89, 1.86, 1.89, 1.86, 1.97, 2.07, 2.17। ये परमाणु त्रिज्याएं हैं। आयनिक त्रिज्याएं 0.45, 0.56, 0.67, 0.75, 0.85। ठीक, ये नोट कर लीजिए, परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं, ठीक है, लिख लीजिए। इसके बाद एक हेडिंग और चौथी बची, विद्युत ऋणात्मकता, चार ही करवाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन याद करने। चौथी हेडिंग विद्युत ऋणात्मकता, तीन हो गई है सामान लक्षण, चौथी हेडिंग सारी मृदा धातुओं के सामान लक्षण, चौथी हेडिंग है विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। देखो यहां पर विद्युत ऋणात्मकता में लिखी है आगे, लिखिए क्षारी मृदा धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता नीची होती है, क्षारी मृदा धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता नीची होती है, क्षारी मृदा धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता नीची होती है और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ठीक है, देखो तत्व कौन कौन से, तत्व बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये तत्व हैं, इनकी विद्युत ऋणात्मकता देखो, ऐसे बना लो 1.46, 1.23, 1.02, 0.93, 0.82, 0.79। ये तत्व है, ये इनकी विद्युत ऋणात्मकता है जो क्रम से घटती जा रही है। ठीक है,
इस तरह से आज आपके क्षारी मृदा धातुओं के दो चौथे लेसन के दो क्वेश्चन बड़े बड़े पूरे हो गए। कल आपको चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टिक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग इसको फेयर में कंप्लीट कर लें, नोट करते चलें, ठीक है? और जहां ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछते भी जाइए।